ये देखो गाइस, यहाँ बतख ठहर रही हैं नाली सी में। इतना साफ पानी इतना साफ पानी है और बतखें तैर रही हैं। देख लो, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं मेरी, ये देखो। गाइस आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, वॉलमार्ट व्लॉग। आज हम लोग वॉलमार्ट से बियर्ड ऑयल खरीदने जा रहे हैं अपने लिए। तो आज हमारे साथ हमारे भाई मिस्टर करण अगेन जॉइनिंग अस इन सेकंड ब्लॉग। चलो चले करण भाई, नहीं इधर से चलते ना भाई, सीधा सीधा रास्ता। हम लोग सीधा सीधा जा रहे हैं कैनेडा की रोड पे। देखो इस टाइम पे सारी बर्फ जमी हुई है आसपास। हाँ हम लोग बिल्कुल कॉलेज के पास में रहते हैं हमारे, और यहाँ पे बिल्कुल सारा कुछ पास में है, बस स्टॉप वगैरह एकदम फिसलन बहुत है यहाँ पे। और दिखाता हूँ आपको एरिया, ये देखो एरिया हमारा, ये स्कूल है हमारे एरिया के पास में। ये एकदम बहुत अच्छा एरिया है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं यहाँ से। A few minutes later. तो गाइज हम लोग 14 डेज के बाद जब क्वारंटीन से बाहर आए हैं, तो हम लोग अब वॉलमार्ट की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा एसेंशियल सामान हमें चाहिए था। एंड ये देख सकते हो पीछे स्पीड डिटेक्टर, ऑटोमेटिकली स्पीड डिटेक्ट कर लेता है क्योंकि स्कूल एरिया है हमारा आसपास। और क्या कहते हैं हमारा इंडिया के रेट अगर आप कंपेयर करोगे हर चीज़ को लेके, चाहे वो ग्रोसरी हो चाहे कुछ भी हो, डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। जैसे हमारा एरिया है 7th Street North के आसपास क्रैनब्रुक में, तो यहाँ थोड़ा बहुत रेंट वेंट का कम पड़ जाता है, ग्रोसरी भी ठीक ठाक हो जाती है। और अगर कंपेरिजन करोगे ओंटारियो स्टेट से, टोरंटो बड़े शहरों से, वैंकूवर टोरंटो से, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर फ़र्क पड़ जाता है, थोड़ा बहुत नहीं मतलब अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। तो आप कंसीडर, मैं तो यही कहूँगा कि आप छोटे शहरों को ज़्यादा कंसीडर करो, यहाँ पे आपकी सेविंग्स भी होंगी, साथ में कमाई भी ठीक हो जाएगी, और फीस वगैरह भरनी होगी तो वो भी आप आराम से कर सकते हो, ये हमारा मानना है। बाकी आप लोग इंटरनेट पे बहुत सारे डेटा दे रखा है, उसकी रिसर्च आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब आप देख रहे होगे कि हमारा ये एरिया है, यहाँ अपार्टमेंट है, ई स्कूटनी अपार्टमेंट, ये क्रैनब्रुक में ही पड़ते हैं। आप सामने देख सकते हो माउंटेन्स हैं, थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। अल्बर्टा बॉर्डर पे हमारा इलाका, ईस्ट कोट में माउंटेन्स हैं आसपास, कई सारी बर्फ ही बर्फ हो रखी है रोड्स की साइड में, फुटपाथ से साफ कर रखी है लेकिन बीच में सारी बर्फ ही बर्फ देख सकते हो। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा कनाडा की। जैसे अगर आपको रोड क्रॉस करनी है यहाँ पे, तो मेनली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आना है, एक बटन प्रेस किया और उसके बाद जस्ट सामने वेट करने को कह रहे हैं, वेट करेंगे, वाइट साइन होगा जब। अभी तक वाइट साइन हुआ नहीं है, वाइट साइन जैसे होगा फिर वैसे हम लोग रोड क्रॉस करेंगे, यहाँ से सारी कार्स रुक जाएंगी, ऑलमोस्ट सिर्फ एक साइड की कार चलती है, उस साइड का टर्न का इंडिकेटर बंद हो जाता है सबका। तो गाइस अब वाइट सिग्नल हो चुका है, वाइट सिग्नल से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, टाइमर आ जाता है, टाइमर के बाद हम क्रॉस नहीं कर सकते। मोमेंट्स लेटर तो गाइस फाइनली हम लोग वॉलमार्ट पहुँच चुके हैं। हाँ भी करना किया, वॉलमार्ट दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। देखो ये वॉलमार्ट पहुंच चुके हैं हम लोग, ऊपर सेंटर बना हुआ है,
करण भाई खड़े हैं सामने, वेट कर रहे हैं वीडियो को शॉट लेने के लिए। चल भाई करण। यही नहीं, अभी और सुनिए भाई, यहाँ पे देख लो प्रोडक्ट्स लगे बहुत सारे, वॉलमार्ट का पूरा प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं भाई हमारे। ये ले रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कुछ अच्छा ढंग का देखने के लिए। एक ब्रांड ये भी कंसीडर कर सकते हो आप, बहुत सही है। बाकी आगे और दिखाते हैं हम आपको। वॉलमार्ट पे कुछ समझ नहीं आया भाई को हमारे, अब हम लोग निकल रहे हैं दूसरे स्टोर की तरफ। रियल कैनेडियन सुपर स्टोर है, उसकी तरफ जा रहे हैं। सुकन भाई क्या हुआ यार, ब्रांड ही नहीं है जेड़ा मंग जाओ भाई, थोड़ी पंजाबी बोल रहे हैं, माइंड मत करना। लेकिन अब हम लोग दूसरे स्टोर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ कुछ देखते हैं, वहाँ कुछ समझ आता तो फिर वहाँ करेंगे शॉपिंग। चलो देखो आप नेक्स्ट का, इस बिल्कुल जस्ट वॉलमार्ट के पास में ही है हमारा नेक्स्ट कैनेडियन सुपर स्टोर। अब हम वहाँ जा रहे हैं, कुछ देखते हैं वहाँ पे अगर कुछ मिलता है तो। गाइस दो स्टोर घूमने के बाद अब तीसरे स्टोर पे जा रहे हैं, क्योंकि दोनों स्टोर पे कोई सामान समझ नहीं आया हमें। सामान है लेकिन वॉलमार्ट पे सामान था लेकिन समझ नहीं आया हमारे को। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट, हमारा चैटर्स बना हुआ है उसमें एक हेयर सलून, वहाँ ट्राई कर रहे हैं कुछ, यहाँ कुछ मिल जाए लास्ट है, उसके बाद तो घर को निकल लेंगे वापस। तो देखते हैं गाइस, फाइनली बहुत सारी मशक्कत करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना ढूंढने के बाद, तीन चार जगह अब हम लोग डिसीजन पे पहुँचे हैं और हमने एक फाइनली बियर्ड ऑयल ख़रीद लिया है। अभी दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो ये पता नहीं कौन सी नकली सी कंपनी है, इसका बियर्ड ऑयल लिया है। भाई की दाढ़ी आती है लेकिन कम आती है, थोड़ी अच्छी करने के लिए भाई की दाढ़ी को। क्यों भाई? या कनाडा के हो गए आप तो अब बड़े लोग, आजकल ट्रेंड चल रहा है, मैं क्या ही फॉलो कर ली दाढ़ी का दाढ़ी का ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, क्या पता ये कामयाब हो क्या पता ना कामयाब हो। अगर प्रोडक्ट का रिव्यू देंगे भाई अगर आएगी दाढ़ी, दिख जाएगी ब्लॉग में भारी भारी मोटी मोटी दाढ़ी भाई की। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग। हाँ अब घर की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। Till then keep watching and subscribe कर देना भाइयों चैनल को यार, मेहनत से बना रहे ब्लॉग छुट्टी कर करके जॉब से। ओके बाय।